हाँ नमस्ते बच्चों, आज हम 8.4 के कुछ सूत्र समझेंगे। वो ध्यान से देखिए आप लोग, एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, सूत्र हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये ध्यान रखना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये प्लस का साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का एक है, इधर लिया इसको माइनस का एक हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। अपने पास सूत्र बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगला सूत्र देखिए, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये ध्यान रखना। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का एक है, इधर आके माइनस का एक हो जाएगा, ये माइनस का उधर चला जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, वो सूत्र और है, वो ध्यान से देखिए आप, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर भी एक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक होता है, ये ध्यान रखना। कई बार अपने को कोट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो सवाल की स्थिति के अनुसार होगा, ध्यान रखना। एक होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका भी मान एक होता है, ध्यान रखना। ठीक, इसको ऐसे भी लिखते हैं सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा का मान होता है उल्टा हो जाएगा इसका, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र है, इसकी सहायता से 8.4 के सवाल हल होंगे। ये सूत्र आपको याद होंगे तो 8.4 के सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी सूत्रों की सहायता से हम 8.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आपको ये सूत्र याद करने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, याद करने के बाद ही हम अगले सवाल कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लेना ये ध्यान से। ठीक है, ओके। आठ पॉइंट चार का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, एक्सरसाइज 8.4 पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है। कोट ए के पदों में व्यक्त करो। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने अभी सूत्र लिखाए थे आपको, उन्हीं सूत्रों की सहायता से इन सवालों को हम हल करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, साइन ए से के और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। देखिए मैंने एक सूत्र लिखाया था, आपको याद होगा, कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, इसका मान एक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान देखिए, कोसेक स्क्वायर ए, ये प्लस का एक है, इधर आ जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, ये माइनस का कोट स्क्वायर है, उधर चला जाएगा, ठीक है। ये कोट स्क्वायर, इससे तीन सूत्र बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और एक सूत्र ये भी बनता है, ये माइनस का कोट स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये आ गया, ठीक है। एक सूत्र इसका और बनता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर में वन प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर, ये तीन सूत्र बन गए। अब इसको देखो, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है साइन को अपने को, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पर कोसेक ए लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा। ये एक ध्यान देने की बात है, अच्छी तरह समझ लेना, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर। मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको, साइन थीटा इंटू कोट थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह ए है, साइन ए कोसेक ए, ठीक है। इसका मान कितना होता है, एक होता है, ये मैंने लिखा था। तो साइन ए तो आप यहीं रख लो, साइन ए बराबर वन अपॉन में ये कोसेक इसके बट्टे में आ जाएगा, कोसेक, ठीक है, वन। और कोसेक का मान अपने पास में ये आया हुआ है, क्या आया हुआ है, अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर, ठीक। तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, एक बट्टा अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर। आगे ना कोट के पदों में साइन को, ये साइन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना हो तो साइन ए बराबर अपने पास में आएगा एक बट्टा अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। ये आपका साइन ए का मान आ गया, ठीक है। अब हम सेक वाले को भी कोट में कैसे बदलते हैं वो आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। ये हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है ना। अभी ये साइन का मान ज्ञात हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब हम सेक का भी ज्ञात करेंगे और टेन का भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले हो तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। अब हमें हमारे पास आता है सेक वाला, ठीक है ना। सेक का एक सूत्र लिखा है, मैंने लिखा था आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक लिखा है था ना, ठीक है। सेक स्क्वायर ए बराबर में वन, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और सेक ए, ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। सेक ए बराबर में अंडर रूट वन प्लस टेन का मान, मैंने सूत्र लिखा था वन अपॉन कोट होता है, ठीक है ना। तो इसको वन अपॉन कोट स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, ठीक है। टेन बराबर क्या होता है, वन अपॉन कोट, यहाँ स्क्वायर लगाया हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, वन अपॉन कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक ए बराबर, देखिए इसका लघुतम ले लीजिए, ये कोट स्क्वायर लघुतम आ जाएगा, कोट स्क्वायर को एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कट जाएगा, ये एक आ जाएगा, ठीक है। तो सेक बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में कोट स्क्वायर प्लस वन बटे कोट स्क्वायर, इसको ढंग से लिख सकते हो आप लोग, इसको मैं वन प्लस कोट स्क्वायर कर सकता हूँ, प्लस में वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। देखो ये कोट स्क्वायर, इसका वर्गमूल बनता है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ तक ही रख लो और बट्टे में ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर का कोट हो जाएगा,
तो sec a बराबर आपके पास में आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस cot स्क्वायर a अपॉन में cot a, ये sec स्क्वायर बराबर आपका मान आ जाएगा। ठीक है, अब हमें tan का मान याद करना है। तो tan a बराबर क्या होता है, वन अपॉन cot होता है, ये सीधी सी बात है, ये तो एकदम छोटा सा प्रश्न था। tan a बराबर वन अपॉन cot। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने साइन को भी बदल दिया, सेक को भी बदल दिया और टेन को भी बदल दिया, ठीक, कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आराम से ले लो। ओके, अब मैं बिता रहा हूं पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। इस बार किस में करना है, sec a के पदों में व्यक्त करो। इसका आंसर देखो कैसे करेंगे हम लोग, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त करना है। इस बार देखो साइन को भी sec में बदलना है, cos को भी sec में बदलना है, tan को भी sec में बदलना है, cot को भी बदलना है, और sec तो sec ही, और cos sec को भी बदलना है। ठीक है, अब हमें ध्यान से देखना है sec a में कैसे बदलते हैं हम लोग। आप देखो मैंने एक सूत्र लिखाया था, पहला सूत्र लिखाया था, आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर तो यहीं रह जाएगा, वन ये प्लस का उधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, साइन ए बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन ए बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस बराबर क्या होता है, वन अपॉन सेक होता है, ये ध्यान रखना, वन अपॉन सेक ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा। ठीक है, मैंने एक सूत्र लिखा है तो आपको याद होना चाहिए कि sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर एक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यदि आप cos को यहाँ रख लेते हो cos थीटा तो ये वन अपॉन sec हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, वन अपॉन sec थीटा, ये एक सूत्र होता है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे ध्यान रखना, लघुत्तम ले लो इसका, sec स्क्वायर आ जाएगा, sec स्क्वायर ए। ठीक है, sec स्क्वायर को एक से गुणा कर लो, sec स्क्वायर ए माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस एक और बट्टे में, ये देखो sec स्क्वायर ए का लग तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, sec ए। ठीक है, तो ये आपका sin a बराबर ये आ जाएगा फिर। ठीक है ना, ये अच्छी तरह से याद रख लेना, साइन वाला साइन का हो गया आपका। अब हम कोस का ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, कोस का हम लोग ज्ञात करेंगे, कोस कोस बराबर मैंने अभी भी लिखा ही दिया था, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक, सीधी सा ये साइन ए बराबर आ गया और ये कोस का मान आ गया। अब टेन का, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है, इसको लिख दो साइन ए बट्टा कॉस ए। अब देखो टेन साइन का मान अपने पास में ये रहा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए, कॉस का मान क्या है, वन अपॉन सेक, वन अपॉन सेक। अब देखो यहाँ से ध्यान रखना, सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में क्या बचेगा,
ये ध्यान रखना, टेन ए बराबर में क्या बचेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट क्या बचेगा, साइन टेन, देखो सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर, साइन ए बराबर अपने पास में है ये, सेक स्क्वायर माइनस वन है, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये सेक से सेक कट जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और अपॉन में अपने पास में देखिए ये सेक से सेक कट गया, कुछ एक बचा, एक लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो आपके पास में टेन ए बराबर क्या आंसर आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, टेन ए बराबर में आपका आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, टेन ए बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया, ठीक है। अब देखो साइन याद कर लिया, कोस याद कर लिया, और टेन भी याद कर लिया, कोट याद कर लेते हैं, कोट वाला इधर देख लो, यहाँ लिख देते हैं कोट, कोट ए बराबर आपको क्या होता है, वन अपॉन टेन ए होता है, तो कोट बराबर वन अपॉन टेन का मान ये रख, ये यहां से उतार लो इसको, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो कोट ए बराबर क्या आएगा, वन अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, देखो सभी सेक में व्यक्त करने, ये ध्यान रखना, कोट का हो गया, और लास्ट आता है कोसेक, कोसेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए बराबर ये ध्यान रखना, कोसेक ए, देखो कोसेक का एक सूत्र लिखा था मैंने, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, एक होता है, ठीक, लेकिन अपने को तो सेक के पदों में व्यक्त करना है ना, ठीक है ना, तो सेक वाला तो इसको अलग रहने दो, इसको ये सूत्र नहीं लगाएंगे, कोसेक, कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक ए बराबर लिख दो, कोसेक, कोसेक बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बटा साइन होता है, होता है ना, कोसेक बराबर, कोसेक ए बराबर क्या आएगा, वन अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दो कोसेक ए बराबर वन अपॉन में साइन ए का अपने पास में आंसर आया भाई ये रहा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मेरे को, साइन ए बराबर ये लिखना पड़ेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये बट्टे में सेक है ना, इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये सेक हो जाएगा, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, अब ध्यान देखना, बराबर में सेक ए को एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा, सेक ए, बट्टे में क्या आएगा, ये अंडर रूट वैसा वैसा चला रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस एक हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारे आपके सेक के पदों में व्यक्त हो गए हैं, साइन का भी हो गया, कोस का भी हो गया, टेन का हो गया, कोट का हो गया, और कोसेक का भी हो चुका है, ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बैठेंगे, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है ना, एकदम सरल क्वेश्चन है, और सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होंगे तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर दो सवाल दिए हैं, मान याद करने, तीसरा क्वेश्चन मान याद करने, ठीक है, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 और बट्टे में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 कोस स्क्वायर 73। अब ध्यान रखना यहाँ पर हमें चेंज करना है कुछ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 जाएंगे तभी तो 27 बचेंगे, देख 10 में से 3 के 7 यहाँ 8 बचेंगे, 8 में से 6 जाएंगे, तो साइन 90 माइनस 63 हो जाएगा, इसी तरह इसका चेंज कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसका पहले चेंज कर लो, मैं कॉस स्क्वायर इसको 90 माइनस 73 लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 90 में से 73 जाएंगे तभी तो 17 बचेंगे ना, 10 में से 3 जाएंगे 7 या 8 में 7 जाएगा 1, और प्लस का ये कॉस स्क्वायर 73,
ये सूत्र याद रखने पड़ेंगे आपको, ये ध्यान रखना, मैंने सूत्र लिखा है आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। और ये लिखाया था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। ये इस दो सूत्रों की सहायता से ये सवाल हल होंगे, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 63 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर 63 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 73 सॉरी, और ये क्या कोस स्क्वायर 73 है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखना, मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये थीटा के मान यदि बराबर होते हैं तो उसका मान एक हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा के मान 63 है, इसका मान एक हो गया एक, यहाँ भी 73 है, थीटा का मान बराबर है, तो एक बटा एक क्या हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन था ये आपका हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आराम से, ओके। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग, दूसरा क्वेश्चन इसका, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कोस 65 प्लस कोस 25 डिग्री और इनटू में साइन 65, ठीक है। ऐसा ही है ये भी, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, साइन 25 इसको कॉस 90 माइनस 25 कर लीजिए, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसको क्या करोगे, इसको भी चेंज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कॉस लिखा हुआ है 90 माइनस 65 कर लीजिए और ये साइन 65 है, ठीक है। अब देखिए साइन 25 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 25 प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 65 और ये क्या हो जाएगा, साइन 65, ठीक। अब ध्यान रखना यहां पर ये साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस, अब यहां पर ये साइन स्क्वायर 65 हो गया, इसको फिर आगे चेंज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 65 हो गया ना, इसको आगे और चेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 लिख दो इसको, ठीक है। साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, एक होता है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कितना होता है, एक होता है, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास में, एक आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लग के रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने हल कर दिया है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ओके, अब मिटा रहे। अब तीसरा क्वेश्चन इसका, इसमें दो ही भाग थे क्या, चलो तीसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ध्यान से, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, चौथे क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन, चार क्वेश्चन दे रखे हैं और ए बे से दे वाले हैं, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको हल करके बता देता हूं इसका। पहला क्वेश्चन है 9 sec square a माइनस
9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मान किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से, दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 9 इंटू इस पूरे का मान एक होता है, सूत्र होता है, 9 को एक से गुणा करके 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो इस पूरे का मान कितना, एक हो जाएगा, ए 9 को एक से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। और हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना चित्र, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ए बैसे संभाल लेना, देख लेना आप लोग, ठीक है ना, किसमें 9 लिखा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा, चाहे ए में हो सकता है, बे में, से में, दे में, किसी भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ 9 होगा वो आंसर आपका, चेक कर लेना उसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, दूसरा है 1 + tan θ, 1 + tan θ प्लस sec थीटा, और उसमें लिखा हुआ है 1 + cot θ, 1 + cot θ माइनस cosec थीटा, ठीक है। देखो है तो एबीसीडी का सवाल, लेकिन बड़ा सवाल है, ठीक है ना। इसको हम कैसे हल करेंगे वो ध्यान से एक बार देखते हैं। 1 + tan का मान क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस sec का मान क्या आएगा, 1 / cos θ। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, अच्छी तरह सूत्र याद होएंगे तभी आप सवाल हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं। cot थीटा का मान क्या होता है, तो cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा होता है, माइनस cosec का मान होता है 1 / sin θ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, यहाँ तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा को एक से गुणा कर लो, cos थीटा आ जाएगा, प्लस cos से cos कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये sin थीटा आ जाएगा, प्लस cos से cos कट जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए क्या लघुत्तम लेना है, sin थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, sin थीटा को एक से गुणा कर लो, sin थीटा आ जाएगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये साइन थीटा प्लस, इसको कर्म से उतार लीजिए, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस एक है, ठीक है, और बट्टे में क्या है, कॉस थीटा, ये भी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एक है, और बट्टे में क्या है, साइन थीटा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको सूत्र लिखा था, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, देखो यहाँ से लेकर के इस पद को पूरे को ए मान लीजिए, ठीक है, और इसको बी मान लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, ध्यान रखना, पहले पद का स्क्वायर और दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला पद अपने पास में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस एक है, एक का स्क्वायर कर दीजिए, और बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ लिख दे साइन थीटा कॉस थीटा, गुणा हो जाएगी इनकी, ठीक है। अब हम ध्यान से देखना अच्छी तरह से इसको कैसे हल करना, आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दी थी इसमें, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक बार जोड़ा हुआ एक बार घटाया वाला, यहाँ सूत्र आ गया ना, ए प्लस, ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, ठीक है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया। अब इसके अंदर लगा लीजिए सूत्र, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin θ कॉस थीटा, ठीक है, और ये माइनस ए का स्क्वायर एक ही होता है, ध्यान रखना, माइनस ना एक लिखा जाएगा,
और बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मेरे को, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ पर यदि हो जाता है तो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक होता है, एक प्लस, ये देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान मैं एक लिख दिया, आगे लिखा है प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस एक है, बट्टे में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये प्लस का एक है, माइनस का एक, कट जाएंगे तुम्हें। ठीक, अब अपने पास में बचेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और बट्टे में क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा, टू, टू आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अच्छी तरह देख लेना इसका आंसर कितना आएगा, दो। देखो सवाल बड़ा है काफी, इसका आंसर कितना आएगा, दो। आप ए बेस दे में चेक कर लीजिए, जिसमें दो आंसर आ रहा है वो आपका राइट होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग। ओके, अच्छी तरह से, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन भी आ सकता है, दो नंबर का, तीन नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपकी बुक के अंदर ये ए बेस दे में दे दिया। चलो इसका तीसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, और ब्रैकेट बंद है। ठीक है, और वन माइनस साइन a, वन माइनस साइन a। ठीक है, ये बताना है इसका उत्तर कितना आ रहा है। ठीक है, sec का मान वन अपॉन कॉस होता है, कॉस ए लिख दीजिए, tan का मान साइन बटे कॉस, साइन ए बटा कॉस है, एकदम सरल क्वेश्चन है, तो आप लोग सूत्र याद है तो आराम से कर सकते हो, ये वैसा वैसा उतार लीजिए, वन माइनस साइन ए, कोई सूत्र नहीं होता है, लघुतम ले लीजिए इसका, कॉस ए लघुतम आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो वन आ जाएगा, वन प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, ये साइन ए आ जाएगा, वन माइनस साइन ए। ठीक है, इस बट्टे में कुछ नहीं है ना, यहाँ एक लिख सकते हो चाहो तो, अगर नहीं लिखो तो वो कोई भी नहीं। अब देखो वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए, आपको सूत्र लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और बट्टे में क्या कॉस ए। ठीक है, ए का स्क्वायर तो ए क्या आएगा, साइन ए को से साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टे में क्या होगा कॉस ए। अब ध्यान रखना वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है कॉस ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए है, ये कॉस है, ए कॉस कट जाएगा ऊपर, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए आंसर आ। आप ए बेस ए में चेक कर लेना, जहाँ कॉस ए आंसर आवे वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग। ठीक है, क्लियर, ओके। अगला चौथा क्वेश्चन करेंगे, इसका चौथे भाग का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का चौथा भाग है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको कैसे हल करना है ध्यान रखना। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, अब यहां ध्यान रखना वन प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, यदि सूत्र याद है तो।
और वन प्लस कोट स्क्वायर किसका मान होता है, कोसेक स्क्वायर का मान होता है, कोसेक स्क्वायर ही होता है। मैंने सूत्र लिखाए थे आपको, ये याद रखना, sec स्क्वायर a बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना, और cosec स्क्वायर a बराबर होता है वन प्लस cot स्क्वायर। आप जो सूत्र लिखाए थे ना, मैंने पहले पहले पहला पहला वीडियो था इसी का, 8.4 का सूत्र लिखाए थे, उसमें ये देख लेना, ये है इस तरह से। अब आगे देखिए आप लोग ध्यान से, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर आ गया, वन प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर आ गया। sec स्क्वायर का क्या होता है, वन अपॉन cos होता है, सूत्र से आगे और चलते रहते हैं, sec का मान वन अपॉन cos होता है, cos स्क्वायर ही हो जाएगा, cosec है वन अपॉन sin होता है, वन अपॉन sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, वन अपॉन cos स्क्वायर ही गुना में ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, एक बटा साइन स्क्वायर है ना, तो ये साइन स्क्वायर ए बट्टा में एक हो जाएगा। अब इसको साइन स्क्वायर को एक से गुणा कर लीजिए तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर को एक से गुणा कर लीजिए कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन बट्टे कॉस मैंने लिखा था क्या होता है, टेन होता है, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम भी लिख देंगे टेन स्क्वायर ए, ठीक, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। मैंने 8.4 के अंदर आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर 10 भाग है, ठीक है ना, तो 10 भाग है तो सोचता हूँ मैं इसको अगले भाग में कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको पहले भाग मान लेते हैं, इसको एक से चार तक का, और पांचवा क्वेश्चन है उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, वो 10 आगे वाले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद, ओके।